ये कहानी लिखने से पहले बहुत सारी चीज़ें मैंने इसको बहुत करीब से देखा है। जैसे 2018 की कहानी है ये, जो रियल में घटी थी मुजफ्फरपुर में, और मैंने इसको न्यूज़ में देखा था जब हाईलाइट हुआ था सारे न्यूज़, बिकॉज़ पहले ये न्यूज़ छप नहीं रहा था बिहार में। इसके बाद जब मैं जिसके साथ ये हुआ है उसमें से 5 लड़कियों को मैंने मिला, मिलने के बाद उनसे जब सारी कहानी पूछी, उन्होंने जो बताया, बताने के बाद मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे, क्योंकि हम जो बता रहे हैं उसका आधा भी हम नहीं दिखा पाएंगे, इतने उनका दर्द है। तो मैं आपको इतना ही कहना चाहूँगा कि जो चीज़ वहाँ जो हुआ है, अगर हम सर एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि जो मीडिया में है ना वो मेरी फिल्म की कहानी नहीं है। पहला चीज़, जो गूगल पर आप देखते हैं जो भी चीज़ें हैं वो कहानी मेरे फिल्म में नहीं है। मेरे फिल्म में वो कहानी है जो उन लड़कियों ने मुझे बताया था। अब जो गूगल पे हम पढ़ते हैं कि ऐसा हुआ वैसे हुआ, वो हमारे अंदर नहीं है। हमने वही दिखाया जो रियल है, जो उनके साथ घटित हुई है। हमने कुछ कमर्शियल करने के लिए अपने हिसाब से उसमें कुछ भी नहीं रखा है। हमने बस उनके दर्द को कोशिश किया है कि सबके सामने रखें, अपने आप से कुछ भी उसमें इंटर नहीं किया है। दूसरी बात है कि इसको 18-19-20 3 साल कम से कम लगे हैं मुझे इसको लिखने में और उनके बारे में सबको जानकारी जुटाने में। सर इसमें कोई भी नया कलाकार नहीं है, सबके सब मज़े हुए कलाकार हैं। जैसे हमारे अक्षय वर्मा साहब हैं, निषाद राज राणा जी हैं, ये लोग तो लेजेंड हैं एक्टर में जो भी हैं। हमारे अभी यहाँ मौजूद भी हैं सबके सब। जो बच्चियाँ हैं जैसे उपासना है, इसने बहुत मतलब बेहतरीन जो, क्योंकि पूरी मूवी देखा जाए तो इसके इर्द गिर्द घूमती है उपासना, मतलब जो लड़की है जिसके साथ वहाँ टॉर्चर होता है वो है। उर्जान है जिसने ये निगेटिव करेक्टर किया है जिसकी वजह से लड़की शेल्टर होम पहुँचती है। तो देखा जाए तो हमारे जितने भी हैं कलाकार वो सब नॉन है। इसके बाद हमारे जो CBI हैं, रोहित भारद्वाज जी जो बहुत नॉन है, आपने महाभारत भी देखा है, उनमें दुष्ट का करेक्टर हुए, तो हमारे कोई नया नहीं है। लेकिन हम बिकॉज़ एक क्लास के आर्टिस्ट नहीं ले सकते थे क्योंकि हमारा करेक्टर मर जाता, क्योंकि उनको सब जानते हैं। तो हमें सिर्फ बेहतरीन एक्टर चाहिए था, जो हमारे पास ये अनमोल रतन है हमारे पास। सर सच बोलूँगा, एक रात डरा था जिस दिन कॉल आया था, बस उसके बाद कोई डर नहीं लगा, क्योंकि मैं जान गया था कि जो मैं कर रहा हूँ वो सही है। क्योंकि जिस आप जो बोले आप सब्जेक्ट, हकीकत है कि इस सब्जेक्ट में किसी ने हाथ लगाने की हिम्मत नहीं की है, लेकिन मैं थैंक्स कहूँगा कि मेरे प्रोड्यूसर वैशाली देव जी को, बिकॉज ये सारी मेहनत देखा जाए तो उन्होंने ही की। उन्होंने न्यूज़ देखा, उन्होंने मुझे अप्रोच किया कि भाई किसी भी कीमत पे इस स्टोरी को आगे लेके आओ, बिकॉज क्योंकि मेरे यूएसए के का जो कंपनी है स्पार्क मीडिया वो यूएसए की है। फिर उन्होंने बोला कि भाई इस फिल्म को करनी है स्पार्क मीडिया के थ्रू, फिर हमने यहाँ रजिस्टर किया, सब कुछ किया। तो आज जो कुछ भी फिल्म अगर बन रही है, बिकॉज अब वैशाली देव जो उनके प्रोड्यूसर है नफीशा की, तो मैं बस थैंक्स कहना चाहूँगा इनको कि इन्होंने सात समुद्र पार बैठे हुए मुझे प्रोत्साहित किया कि इसको लिखो और कहीं मुड़ने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ। और आज भी इन्होंने दिल खोल के मेरे साथ हमेशा खड़े हैं, तो डर किस बात की है। सर इसका शूटिंग हुआ है UP, मुंबई, गुजरात और बिहार। सर रिलीज़ का प्लान तो हमारा देखा जाए तो इस मंथ ही था, लेकिन हमने IPL, आपको तो पता सर
आईपीएल के चक्कर में बड़े बड़े पिक्चर पीछे हो जाती है, तो हमने सडनली फिर इसको आगे लेके गए। अब उस बीच हम देखेंगे कहाँ हमारा कुछ, ताकि इस पिक्चर को हर एक जगह पहुँचाना है, ऐसा नहीं कि बस टाइम पास के लिए रिलीज़ कर दिया और सेटेलाइट बेच के पैसे कमा लिया, हमारा वो नहीं है। क्योंकि स्पार्क मीडिया का सिंपल सा है कि फिल्म हम वही बनाएंगे जो समाज को कुछ फ़ायदा हो। बिहार है और वहाँ म्यूज़िक ना हो ऐसा हो नहीं सकता, तो जाहिर सी बात है जहाँ मंत्री लोग जुड़े होंगे वहाँ म्यूज़िक तो होगा। तो हमारा एक आइटम सॉन्ग है जो गणेश आचार्य जी ने कोरियोग्राफ किया है और ऋतु पांडे ने इसको गाया है, जो अच्छे बड़े सिंगर है, तो हमने ये पूरा इसको थोड़ा सा रखा है बिहार टच के लिए। जैसे कि नीरज जी ने कहा कि ये मीडिया में काफ़ी आई थी, तो हमने भी वहाँ बैठे बैठे इसके बारे में सुना, इसके बारे में देखा, और मेरी भी दो बेटियाँ हैं, और ये एक दिल को छूने वाली बात हो गई ना कि हम क्या कर सकते हैं इसके लिए। जो बेटियाँ पेरेंट्स के पास आए, पेरेंट्स बच्चों के पास जाए, तो एक थोड़ा सा जनरेशन गैप जो हम लोग जस्ट बोलते रहते हैं ना, इतनी आसानी से बोल देते हैं भाई जनरेशन गैप है, क्या कर सकते हैं। लेकिन यही मैं कहना चाहूँगी, यही मेरा मोटिवेशन था कि जनरेशन गैप तो है, लेकिन कोशिश तो करनी पड़ेगी ना, कहीं ना कहीं से कोई कोशिश तो करनी पड़ेगी कि हम अपने बच्चों से बात करें, ताकि ऐसी घटनाएं उनके साथ नहीं घटे। बच्चे हमारे पास आ सकते हैं, वो डर डर के नहीं रहे कि हम हमारे माँ बाप के पास जाएंगे तो डर लगेगा, पता नहीं वो क्या करेंगे। तो इसी सिलसिले में मैं कुमार जी के पास आई कि कुमार जी कुछ तो करना पड़ेगा, और वो खुद राइटर है, तो उन्होंने प्रॉमिस किया कि मैं कहानी लिखूंगा। इनका एक ही मुद्दा था कि भाई मुझे एक मैसेज देना है पेरेंट्स को, कि क्योंकि एक्चुअली रहते हैं USA में, तो यहाँ के ज़्यादा जुड़े कल्चर से, तो इनका ये था कि मुझे एक ऐसे मैसेज देना है कि जो आजकल के जो बच्चे हैं न्यू जनरेशन के, वो क्या होता है कि 14 से लेके 18 साल के बीच वो हमेशा चाहते हैं कि वो अलग रहे माँ बाप से, उनको लगता है मैं उनको सब कुछ पता है, राइट मैम, और माँ बाप को लगता है कि यार इनको कुछ पता ही नहीं है, उन दोनों में कम्युनिकेशन नहीं हो पाता है, और जिस वजह से बच्चे कहीं और दोस्ती ढूंढ रहे होते हैं, माँ बाप कहीं और बिजी होते हैं, उस चक्कर में बच्चियाँ जो हैं वो शेल्टर होम जैसे जगह पर फंस जाते हैं। इनका एक मोटिव था कि मुझे किसी भी कीमत पर एक मैसेज छोड़ना है कि माँ बाप जो है अपने बच्चों पर ध्यान दें, बच्चे जो है माँ बाप के ज़्यादा करीब रहे, दोस्त बना के रखे, कोई चीज़ छुपाई नहीं। तो ये फिल्म का मैसेज जो है इन्होंने यही देने की कोशिश किया था, जिस पर मैंने वर्कआउट किया। सर उनको दो तीन दिन भूखे रखा जाता था, और जाहिर सी बात है कहीं भेजने के लिए अगर वो नहीं जाते थे ना, तो उनको लास्ट में एक बिहार में ना एक इंजेक्शन आता है भैंस को लगाया जाता है दूध देने वाला, वो इंजेक्शन उनको लगाया जाता था, पूरा बॉडी पे सिगरेट उनको दागा जाता था। अब आप सोचिए, हम तो आप सुन के हो, उनके ऊपर ये सब हुआ है। जब मैंने उनका दिखाया जब उसने, तो लिटरली मेरा मतलब अजीब हो गया था मेरा उनको देख के। ये तो कुछ भी नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब उनको ऐसे ऐसे मतलब टॉर्चर किया जाता था ना, कि नाखून उखाड़ लेते थे वो लोग, जो वहाँ की बॉर्डर थी ना, इतनी खतरनाक थी, अगर उनके आप नहीं मानोगे तो या तो आप मरोगे, एसिड तक डाल दिया जाता था। मैं यहाँ बोलना नहीं चाहूँगा, मीडिया है, उनके बॉडी पार्ट पे एसिड तक डालते थे वो लोग। सर इसको रोकने के लिए मैं, आप और सरकार, जब तक एक नहीं होंगे कुछ नहीं होगा। बिकॉज़ क्या है, हम लोग सिर्फ जाके देख लेते हैं, या हम जो फंडिंग करते हैं जो एनजीओ को, ठीक है ना, वो डायरेक्टली एनजीओ के पास जाता है, हम कभी पूछते नहीं है एनजीओ से वो लगाते कहाँ हैं। सरकार जो फंडिंग करती है एनजीओ को, वो पूछते भी नहीं है कि कहाँ यूज़ हो रहा है। इसमें भी वही हुआ था, एनजीओ खुली, फंडिंग सरकार कर रहा था, टैक्स हमारा जा रहा था, लेकिन हमने कभी पूछा ही नहीं कि वहाँ होता क्या था। वो तो अगर बॉम्बे से टीम नहीं जाती बिहार में, तो इस चीज़ का आज उजागर नहीं होता। बिहार वाले तो शांत बैठे थे, उनको कोई मतलब ही नहीं था। बस आप समझ लीजिए कि नाम चेंज है हकीकत सब कुछ। बिकॉज जैसे आप मीडिया वाले हैं, मेरे एक मित्र है मीडिया की, अभी बहुत बड़े पोस्ट पे है, तो जब मुझे धमकी आया तो मैंने उसको कॉल किया था, तो उसने कहा कि वो सब छोड़ दो, बस इतना प्रॉमिस करो कि मजाक नहीं करना इस फिल्म के साथ। बिकॉज उसमें इतना इन्वॉल्व थी उसमें, कि उसको पीटा गया था उस लड़की को,
अब समझ लीजिए कितना वो है। तो जाहिर सी बात है हम इस पिक्चर को वैसे नहीं लेके जा रहे हैं, हम प्रो प्रॉपर रियल ही रख रहे हैं, बस थोड़ा सा नाम अलग है बिकॉज आपको पता ही है फिर क्या होना है, 2.5 साल की सरकार बची हुई है, पिक्चर भी रिलीज़ करनी है तो थोड़ा सा है, लेकिन पब्लिक सब जानती है। सर मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा सर कि हमारे ये सबसे इम्पोर्टेंट जो आज के पिक्चर में है वो है हमारे सर, अगर ये नहीं होते तो बाकी पिक्चर कंप्लीट नहीं हो पाती। सीधे बता रहा हूँ क्योंकि इनका जो विज़न था ना, क्योंकि मैं तो बस इनके साथ बैठता था नरेशन के लिए सब कुछ के लिए, तो ये ऐसे हैं कि मुझे समझाते थे कि नरेशन ऐसे होता है, ये वो गार्जियन है मेरे। तो प्लीज़ मैं इतना कहना चाहूँगा कि जो कुछ थोड़ा बहुत है ज़्यादा ये बताएंगे क्योंकि विजुअली ये ज़्यादा जानते हैं। बेसिकली ये तो क्राइम थ्रिलर है और क्राइम थ्रिलर जब DOP के पास आती है तो वो अपने हिसाब से कई चीज़ें एग्जैजरेट करके शूट करता है। इस स्टोरी को इन्होंने हॉर्सेस के माउथ से सुना है तो एकदम जेन्युइन जो होना चाहिए मैंने वैसे ही शूट किया। आई हैव नॉट एग्जैजरेटेड एनी पोर्शन, इवन इन लाइटिंग, इवन इन टेकिंग वी हैव मेंटेन दैट। टॉर्चर आपको पता है सर, ब्लडिंग ज़्यादा नहीं दिखा सकते, टॉर्चर ज़्यादा नहीं दिखा सकते क्योंकि उनके लिए तो लड़कियाँ इंपॉर्टेंट है ना, अब आजकल तो सेंसर बहुत ज़्यादा हो गया है, आप साला बोल दोगे तो काट देते हैं, तो उस चीज़ के लिए हुआ था, ऐसा कोई ज़्यादा वो नहीं था। इतना ही कहूँगा कि कुछ भी नहीं ली है क्रिएटिविटी, यहाँ तक कि हमने तो रियल रखा है, जो मेरे आर्टिस्ट है उसको मेकअप तक नहीं किया है जी। हमारा जो मेरी जो मेन बच्ची है मैंने रियल रखने के लिए उसको मेकअप तक नहीं किया है, ठीक है। और जिसको भी मतलब यहाँ तक कि मैंने सब कुछ रियल ही रखा है, कोई सजावट नहीं किया है। आर्ट में भी देखेंगे तो वैसे ही जैसे बिहार में होता है ना बिखरा हुआ सामान, हमने वही रखा है, खूबसूरती नहीं दिखाई है कि भाई हम सजा देते हैं, लाइटिंग ये कर देते हैं वो कर देते हैं, नहीं, हमने कपड़े भी वही यूज़ किए हैं, जो हमने ये नहीं कि भाई ब्रांडेड कपड़े हम यूज़ कर रहे हैं उनको दिखाने के लिए, नहीं, हमने वही जो वहाँ पर पहने जाते हैं, तो कहीं पर भी हमने कोई अपने हिसाब से वो नहीं लिया, जो रियल चीज़ था हमने वही वो करा है। हमारी मीटिंग कुछ होनी थी शायद 1/2 घंटे की और मुझे आज भी याद है कि मैं 4 घंटे बाद हमारा डिस्कशन इस लेवल पे जा चुका था कि सिमरन जी ये स्टोरी है और हमको इसको ऐसे करना है। वो दिन आज का दिन हम दोनों ने एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा है, हम रोज़ बैठते हैं, कभी कुछ नया थाट आ गया, कभी कुछ ये सोच लिया कि यार इसको थोड़ा और बेटर कैसे कर सकते। बींग अ फीमेल माई सेल्फ, वो चीज़ों को और बेटर करने में या उसकी रियलिटी को और बाहर लाने में जो मेहनत मेरे साथ या मेरे से ज़्यादा नीरज जी ने की वो शायद मैं नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि एक बैरियर कहीं ना कहीं आ जाता है कि यार जो एक लड़की के साथ हुआ है उसको आप किस तरह दिखाओगे। बींग अ फीमेल मैं खुद अगर उस पोजिशन पर अपने आप को रखूँ तो शायद मैं उस चीज़ के बारे में बात भी नहीं कर सकती, बट उस चीज़ को इन्होंने उस लेवल पे जाके दिखाने की कोशिश करी है कि जो भी इस मूवी को देखेगा वो एक बार तो सोचेगा कि यार मेरे साथ होता तो मैं क्या करती, या अगर हमारे साथ हुआ होता वो एक सिगरेट का बड़ अगर हमारे शरीर पे कहीं लगता तो उसका दर्द कितना होता है वो महसूस होगा इस मूवी के थ्रू। तो ये मूवी उस लेवल पे जाके आपको छूने वाली है। इसका टीजर हम इसी मंथ रिलीज कर रहे हैं 1 वीक के अंदर। और मैं एक बात बताना चाहूँगा कि इसमें एक आर्टिस्ट है मनीषा ठाकुर, हमने एक सीन शूट किया था उनके साथ और जो मैंने सोचा नहीं था, मतलब कि भाई ये क्योंकि वो जलने उलने का पूरा सीन था, उनके ऊपर शूट कर रहे थे हम लोग, पूरा हाथ जलाने का सब कुछ था, करीब 8 घंटे वो पूरा सीन चला था, वो लड़की रूम से बाहर तक नहीं आई थी, करेक्टर मतलब छोड़ ही नहीं थी कि मैं बाहर नहीं तो मतलब मुझे छूट जाएगा करके, वो वही के वही थे। और जो हमारे जो आर्टिस्ट थे, हमारे बहुत प्यारे आर्टिस्ट थे वो, मतलब एक्टर तो अपना क्या नाम है उनका, अक्षय वर्मा जी, वो साथ में थे और दोनों ऐसे थे कि अब पूछिए मत, वो चीज़ पूरा रियल हो के आया हमारे पास फुटेज, जो आप शूट कर रहे थे वहाँ पे सबके सब वही दर्द महसूस कर रहे थे जो वो लड़की कर रही थी। अब टीज़र में वही चीज़ आप देखेंगे, हमने स्पेशली वही डाला है ताकि फील तो हो कम से कम। तो मैं बहुत शुक्रिया हूँ जो आर्टिस्ट हमारे, क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ दिया है हमें अपने करेक्टर से, मतलब सब कुछ रियल दिया है, कोई तामझाम नहीं। स्पार्क मीडिया कभी भी अपराध को बढ़ावा नहीं देती है,
सर हम एक ही पोर्शन देखेंगे, कहने का मतलब है कि बिहार में क्या हमेशा अपराधी होता है आपको लगता है? सारे IPS वहीं से हैं, अभी जो लेटेस्ट आया है ना नंबर वन पे वहीं पे है, बिहार का ही है। तो ऐसा नहीं है सर, मेरा पॉइंट ये है कि जिसमें हम मैसेज देखते हैं ना, जैसे आप नफीसा में हैं, नफीसा में एक मैसेज है कि माँ बाप के लिए, जैसे बच्चियों को अपने करीब ज़्यादा रखो इस उम्र में, बच्चियों को है कि ज़्यादा माँ बाप को अपने दोस्त बनाओ बाहर नहीं। तो जिसमें मुझे मैसेज दिखता है मैं वो स्टोरी उठाता हूँ, नहीं तो सर बिहार से ज़्यादा स्टोरी किसके पास है? पहला ऐसा राज्य बिहार जब वैशाली जो किसी का गुलाम भी नहीं है, तो बिहार से ज़्यादा किसी के पास कुछ नहीं है। तो स्टोरी तो सर आधे से ज़्यादा तो बिहार की स्टोरी होती है, सलमान खान को स्टार बना लो दबंग बिहार की स्टोरी है सर, ऐसे बहुत सारे स्टोरी है जो बिहार से है, लेकिन मैं वही उठाता हूँ जो मैसेज वाला होता है।